ऑक्सीजन ओएस, एंड्रॉइड 11, ओपन बीटा 3, 4, वन प्लस 6 एंड 6T। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आप वन प्लस 6 या वन प्लस 6T स्मार्टफोन के यूजर्स हैं तो आप लोगों को ऑक्सीजन ओएस 11 का नया अपडेट बीटा 3 का देखने को मिल जाता है। इसके बाद उम्मीद है कि जब बीटा 4 का अपडेट आएगा उसी के साथ में आपको एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट भी देखने को मिल जाएगा आपके वन प्लस 6 और 6T डिवाइस के लिए, जो कि बहुत सारे यूजर्स को देखने को मिलेगा। परंतु इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और क्या कुछ बग देखने को मिल जाते हैं, उन सब के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ, इसमें आपको काफ़ी कुछ फिक्सेस देखने को मिल जाते हैं। बैटरी को यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। ये यहाँ पर बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन होते थे वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइस को बैटरी ड्रेनिंग करने में मदद करते थे, उनको यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसके कारण से अब बैटरी पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम ड्रेन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। परंतु एंड्रॉइड 10 के कंपैरिजन में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो इसलिए आप अभी इस बीटा 3 को निगलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर एंड्रॉइड 10 पर हैं तो कृपया इस अपडेट को अपडेट ना करें, मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं। इसी के साथ आपको इसमें इम्प्रूव द स्मूथनेस ऑफ यूट्यूब प्लेइंग वीडियो, यूट्यूब की वीडियो अब आप कोई भी प्ले करते हैं तो उसमें यहाँ पर लैग देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल में तो कोई लैग जैसी समस्या नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि फिर से पहले की तरह ही कुछ लैग स्टटरिंग जैसे इश्यू देखने को मिले। फिलहाल में आप कुछ भी स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप कॉलिंग कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड फिक्स नॉन इश्यूज, तो ये तो हर बार की तरह यहाँ पर दिया ही जाता है। साथ ही में नेटवर्क के अंदर फिक्स द फेल्ड इशू ऑफ इनेबलिंग वो वाईफाई, अगर आप वो वाईफाई के फीचर्स को इनेबल कर रहे थे तो वो यहाँ पर फेल हो रहा था, कभी कभी इनेबल ही नहीं हो रहा था कुछ कुछ डिवाइसों पर, तो ये कुछ इशू रैंडम यूजर्स को देखने को मिल रहा था, इसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ वर्क लाइफ बैलेंस का जो ऑप्शन था उसके अंदर अगर आप फीचर्स में देखेंगे तो यहाँ पर लॉक, अगर आपका डिवाइस होता था लॉक स्क्रीन के द्वारा, वहाँ पर कुछ फीचर्स वर्क नहीं कर रहे थे, उस चीज़ को भी फिक्स कर दिया गया है। साथ ही मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर अगर आप BGMI को प्ले करते हैं तो अभी भी आपको लैग और स्टटरिंग जैसे इशू उसमें देखने को मिल जाते हैं। उसमें आपका बंदा इतना ज़्यादा लैग होगा कि आप उसे सही से प्ले भी नहीं कर पाएंगे, ये इशू अभी भी इस अपडेट पर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैटरी को लेकर के भी जो भी फिक्सेस किए गए हैं, परंतु उतने ज़्यादा फिक्सेस खरे नहीं उतरते हैं इस अपडेट को लेकर के। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि जो स्टेबल का अपडेट पहला बिल्ड आएगा उसके लिए आप कुछ दिनों का इंतज़ार कर लीजिए। जिस तरीके से ये अपडेट दे रहे हैं वन प्लस 6 सीरीज को, उस तरीके से आप ज़्यादा दूर नहीं हैं आप लोगों के लिए स्टेबल का पहला अपडेट। स्टेबल के पहले अपडेट में भी आपको कुछ बग देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप रिव्यू देख करके ही उस अपने डिवाइस को अपडेट करें। फिलहाल में आज के लिए कुछ इतना ही, उम्मीद करता हूँ अगर आप इस अपडेट को अपडेट करना चाहते हैं अपने डिवाइस पर तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से उसे डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं। साथ में आप ऑक्सीजन अपडेटर के द्वारा भी अपने डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे बीटा पर तो वहाँ से रोम को डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फुल अपडेट पैकेज को डाउनलोड करके अगर आप स्टेबल यूजर हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, और अगर आप बीटा 2 यूजर थे तो आप इंक्रीमेंटल अपडेट को डाउनलोड करके अपडेट करा सकते हैं। सिस्टम में आपको ये अपडेट जल्द ही देखने को मिल जाएगा अगर आप बीटा यूजर पहले से ही हैं तो। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।